अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो कहता है कि डिटरमाइन वेदर द फंक्शंस आर इवन और ऑड। तो पिछला लेक्चर हमारे पास था जो इवन और ऑड के ऊपर था, तो अब यहाँ पर हमने फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट के अंदर जो फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। इसको आपने चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो इसके लिए वही फॉर चेकिंग द इवन और ऑड, इवन और ऑड चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने से देखें एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 3 और माइनस एक्स यहाँ पर हो गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने लिख दिया टेकिंग कॉमन माइनस अबव इक्वेशन। तो अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब और यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, प्लस का। अब ये जो चीज़ है ये हमने पढ़ी है, ये किसके इक्वल है, ऊपर देखें फंक्शन ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर दोबारा क्या लिख दिया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये दो दफ़ा स्टेप आ गया, लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो हम इसको क्या कहेंगे, हमने कंडीशन पढ़ी थी कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो फंक्शन ऑड होता है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि फंक्शन इज ऑड। तो हम इसके दूसरे पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो दूसरा पार्ट जो उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और होल स्क्वायर गिवन है। अब यहाँ पर काम प्रोसेस वही है कि हमने इवन और ऑड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को किस में रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स, और चेकिंग द इवन एंड ऑड रिप्लेस द एक्स बाय माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ पर भी माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ से माइनस एक्स माइनस कॉमन नहीं ले सकता, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। अगर मैं माइनस कॉमन ले भी लूँ तो ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कैन नॉट टेक कॉमन माइनस एंड डू नॉट ऑब्टेन द ओरिजिनल फंक्शन। और यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले भी लें तो हमें ओरिजिनल तो नहीं हासिल होने वाला, ठीक है ना, ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स हासिल होगा, ना ही एफ ऑफ एक्स हासिल होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने कह दिया कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अगर ऐसा स्पेशल केस आ जाए जब हमें माइनस या सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा फंक्शन हासिल ना हो रहा हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, कि ना ही ये फंक्शन इवन है और ना ही ऑड है। तो ये उसी केस में होगा जब आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपको दोबारा फंक्शन हासिल ना हो रहा हो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिंप्लीफाई के बाद दोबारा फंक्शन हासिल हो गया, ये हमारा फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन जो था, ठीक है ना, वैसा ही हासिल हो गया। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फंक्शन हासिल नहीं होने का, ठीक है। तो इस वजह से हमने लिख दिया कि ये फंक्शन ना ही तो इवन है ना ही ऑड है। तो चलते हैं थर्ड ऊपर। तो थर्ड पार्ट जो हमें गिवन है वो ये देखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। काम वही करना है कि मैंने फंक्शन को एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस कर देंगे। तो माइनस एक्स आ गया, यहाँ पर भी माइनस एक्स आ जाएगा और एक्स की जगह पर भी माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये देखें, ये स्केयर जो है इसको क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर आ जाएगा और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि स्केयर जो है नेगेटिव को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब ये देखें, ये जो इतनी यहाँ से यहाँ तक रकम है ये किसके इक्वल है, ये वही सेम नहीं है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर कॉमन को बाहर निकाल लें, मतलब माइनस को बाहर निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और ये वाली टर्म वैसी मैंने लिख दी। अब यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, मैंने सिर्फ ये माइनस लिखा है और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाल दी है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, इतनी टर्म यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास टर्म है ये किसके इक्वल है, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑड है। तो ये सेम पहले क्वेश्चन की तरह का था, हमने रिप्लेस किया, हमें एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो ये फंक्शन जो हुआ ऑड। तो चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो फोर्थ पार्ट के ऊपर जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, वो स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि फंक्शन जो हमें गिवन है वो रैशनल फंक्शन गिवन है, और ये कंडीशन लगी हुई है कि एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं लगेगा, नॉट इक्वल टू 1, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो आप 1 नहीं दे सकते। इस कंडीशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ डोमेन के लिए होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट।
हमने तो इवन और ऑड चेक करना है, तो मैंने यहाँ पर देखे, मैंने इवन और ऑड चेक करने के लिए वही काम किया कि एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस किया, तो मैंने जब रिप्लेस किया यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस। जब माइनस आ गया तो मैंने यहाँ पर देखें, मैं अगर ऊपर वाला से माइनस कामन ले लूँ, नीचे से माइनस कामन ले लूँ, तो यहाँ पर देखें ये जो फंक्शन है ये माइनस आपस में काट भी दूँ तो यहाँ पर तो ऊपर ऊपर फंक्शन हमारे पास क्या है माइनस है, नीचे क्या है प्लस है, लेकिन यहाँ पर ऊपर तक प्लस चला गया और यहाँ पर नीचे क्या आ गया माइनस। इसका मतलब है हमें ओरिजिनल फंक्शन हासिल नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर वही कह देंगे बट टेकिंग द माइनस का माइनस मतलब यहाँ पर कामन ली तो वी कैन नॉट ऑब्टेन, हमें वो दोबारा ओरिजिनल फंक्शन जो है वो हासिल नहीं हुआ, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पर कह देंगे कि एफ ओ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, या फिर हम कह देंगे कि एफ ओ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर ये दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो फंक्शन क्या हुआ, ना ही इवन है ना ही ये ऑड है, तो इट इज़ नेदर इवन नॉर ऑड। तो ये तो सोल्यूशन था चौथे पार्ट का, अब हम चलते हैं पाँचवें पार्ट के ऊपर कि पाँचवा पार्ट इसका जो है वो, तो पांचवा पार्ट जो हमें गिवन है वो देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स की पावर 2/3 + 6। तो इसके अंदर अब इसको चेक करने के लिए भी वही करेंगे कि हम एक्स को किस में रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स में रिप्लेस करेंगे। माइनस एक्स में रिप्लेस करने के बाद ये तो वैसे ही आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 2/3 और प्लस 6 वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें ये इसको मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा माइनस एक्स की पावर 2 और 2 वैसे ही आ गया और मैंने एक और ब्रैकेट डाली और ऊपर क्या लिख दिया 1/3। अब ये देखें अगर ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बन जाएगा 2/3 ही आ जाएगा। तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ये स्केयर है, स्केयर माइनस को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो ये एक्स स्केयर आ गया। अब अगर ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स की पावर 2/3। अब ये देखें ये जो फंक्शन है ये दोबारा वही नहीं असल हो गया हमें, तो ये किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन फिर कौन सा हुआ, अब ये फंक्शन इवन आया हमारे पास, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फंक्शन इज इवन, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले पार्ट के ऊपर, इसका जो 6th पार्ट है और लास्ट पार्ट यही है। अब इसके अंदर भी वही अब काम करेंगे कि इवन और ऑड को चेक करने के एक्स को इसमें रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स में। जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब और नीचे आ जाएगा माइनस एक्स का स्केयर और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये माइनस एक्स क्यूब ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि एक ऑड है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया। अब मैं ऊपर वालों में से अगर देखें सिंपलीफाई हो रहा है, नीचे वाली टर्म तो वैसे ही है, ठीक है ना। अगर ऊपर वालों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये टर्म वैसे नहीं आ गई हमारे पास जो ऊपर फंक्शन था। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास बचा ये जो इतना फंक्शन है माइनस के अलावा ये वही है फंक्शन, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, ये माइनस वैसे ही आ गया और इतनी दोनों की जगह पर क्या आ गया एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो फंक्शन फिर कौन सा हुआ ऑड हुआ। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कह देंगे कि फंक्शन कौन सा हुआ ऑड हुआ। तो ये तो था तरीकाकार, कोई भी हमें फंक्शन आ जाए तो आप क्या करेंगे एक्स को किस में रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स में। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये फंक्शन ऑड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फंक्शन क्या हुआ इवन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर वो फंक्शन इवन भी नहीं होगा और ऑड भी नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।